एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं, एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। यह हम सबको ज्ञात है कि जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हर गरीब तक अनाज पहुंचाया। जब विश्व में यह चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान वैक्सीन और दवाई की दृष्टि से अपना संरक्षण कैसे कर पाएगा, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज न सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिली मुफ्त, बल्कि साथ ही 160 देशों की सहायता हिंदुस्तान ने की। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि अमृतकाल का यह बजट भारत की रक्षा प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा आवंटन करता है। अमृतकाल सरकार बोलती पर यह अमृतकाल नहीं है, इसको हम कहते हैं मित्रकाल है। और इस मित्रकाल में मित्रकाल पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जांच करने की बजाय इस बजट में 50 नए हवाई अड्डों की घोषणा की गई। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या हमको इंतजार करना पड़ेगा यह जानने के लिए कि वो हवाई अड्डों का संचालन कौन करेगा? अडानी जी एक बिजनेस में एंटर करते हैं, भारत सरकार उसके 6 महीने बाद उस बिजनेस के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नया योजना, एक सब्सिडी, एक नई स्कीम लेके आ जाती है। उदाहरण देता हूं साथियों आपको, 1 फरवरी को मित्रकाल का बजट आया, 50 हवाई अड्डे नए अनाउंस हुए, किसको संचालन में जाएंगे हमें पता है। 14 जून 2022 को अडानी समूह ने घोषणा की कि अब मुझे हाइड्रोजन में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 4 जनवरी 2023 को मंजूरी दे दी और 19,744 करोड़ रुपए का उस पर एलोकेशन हो गया। पहले अडानी स्कीम अनाउंस करता है कि मैं इस एरिया में जाऊंगा, उसके बाद भारत सरकार फंड एलोकेट कर देती है। ये संयोग है या प्रयोग है, हम देश के हर व्यक्ति से, हर व्यक्ति की ओर से सरकार से पूछना चाहते हैं।